अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट विद हेरामजद। आज मैं आप लोगों को कटिंग करना सिखाऊंगी। सिंपल कटिंग है ये, मैंने दुपट्टा लिया है इसकी मैं कटिंग करना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान सी कटिंग है, आप लोगों को अच्छी लगेगी, इसमें कोई रुको नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक इंची टेप चाहिए, कैंची चाहिए, पेन चाहिए और ये डायरी चाहिए। एक आप रफ कॉपी भी ले सकते हैं और ये पेन की जगह आप चॉक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास चॉक अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ये पेन यूज़ किया। सबसे पहले हम एक कमीज़ लेंगे जो हमें बिल्कुल ठीक आती हो, उसकी हम पूरा इंची टेप की मदद से नाप के हम इस तरह रफ डायरी में लिख लेंगे। ये देखिए, कंधे, चेस्ट, कमर, हिप, साइड की सिलाई, चाक, दामन, कमीज़ की लंबाई, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई। ठीक है, इस तरह हम ये लिखेंगे। अब हम इसको सामने रख के इस पर निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। ठीक है, वो मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो दुपट्टा लिया हुआ था इसको मैंने इस्त्री करके इसकी सारी मैंने सलवटें निकाल दी थी। अब मैं इसको, मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ है, ये देखिए 1 और 2 डबल फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसको इस तरह फोल्ड करके मैं वापस आती हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, यानी कि 2 साइड का फोल्ड कर लिया है। अब हमने फोल्ड किया तो ये हमारे पास 4 साइड्स आ गई हैं। ठीक है, यानी कि आगे का और पीछे का। ठीक है, अब हम सबसे पहले कंधे, ये देखिए मेरे पास कंधे हैं 14 इंच। ठीक है, कंधों की का हम निशान लगाएंगे, कंधे को हम हाफ करेंगे, जैसे कि ये है 14। अब हम इसका हाफ करेंगे। ठीक है, 14 का हाफ 17। अच्छा, ये 14 है, अब इसका हम जी 14 का हाफ 7 आया। 7 मेरे कंधे हो गए, कंधे की मैंने आधा इंच मैंने बढ़ाया है, यानी कि कंधे ये डबल मैंने कपड़ा मोड़ा हुआ है तो मैं आधा इंच बढ़ाऊँगी तो ये 1 इंच बढ़ जाएगा खुद ही। तो ये मैंने आधा इंच बढ़ाया तो ये 7.5 हो गया। 7 इंच मेरा आया था हाफ करने के बाद 14 को 14 को, 7 इंच मैंने यहाँ, 7.5 मैंने इंच यहाँ पे रखा, 7.5 का मैं आधा बढ़ाऊँगी तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 8 इंच आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये मेरी साइड की जो मेरी सिलाई थी, कि मेरी थी 13 इंच, ये देखें साइड की सिलाई 13 इंच थी, तो मैंने यहाँ से और मैंने यहाँ तक के 13 इंच नापा। बीच में मैंने 6 इंच का, यहाँ से यहाँ तक के 6 इंच का नाप के मैंने निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ पर अपनी कमर का निशान लगाऊँगी, नहीं यहाँ पे मैं अपने चेस्ट का निशान लगाऊंगी, यहाँ पे मैं अपनी कमर का लगाऊंगी और यहाँ पे मैं अपनी हिप का लगा के मैं वापस आती हूँ। कमर मेरी 17.5 है, हिप मेरे 21 है और मेरे चेस्ट 19 है। ठीक है, मैं निशान लगा के वापस आती हूँ। मैंने ये देखें, मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया, ये निशान लगा लिया मैंने, ये मैंने अपनी कमर का निशान लगा लिया और ये मैंने अपने हिप का निशान लगा लिया। ठीक है, अब मैं इन तीनों लाइन को, ये इस लाइन को मैं इधर से जोड़ूंगी और इस लाइन को इधर से जोड़ के मैं आप लोगों के पास वापस आती हूँ। ठीक है, ये निशान लगा लिया। मेरी 41 है लंबाई, लेकिन कुर्ती क्योंकि छोटी होती है इसलिए मैंने 39 पे निशान लगाया, 2 इंच मैंने छोटी कर ली। और ये मेरा 23 का दामन था, लेकिन ये मेरा दामन यहाँ तक आ रहा है, लेकिन मैं अपना दामन नहीं काटूँगी क्योंकि मैंने कुर्ती सिलनी है, तो ये मैं दामन नहीं काटूँगी। मैं पहले यहाँ की कटिंग करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने निशान लगाया ना फिटिंग का, इससे मैं 1 इंच बढ़ा के, यानी कि इतना मैं बढ़ा के मैं फिर कटिंग करूँगी। ठीक है, मैं कटिंग करके वापस आती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कटिंग कर ली है, ये मेरे कंधे कट गए। ठीक है, ये मैंने जो निशान लगाया था इससे मैंने 1.5 इंच छोड़ के कटिंग करी है, ये देखें। और ये मैंने जो दामन का, हिप का जो मैंने निशान लगाया था, इसको मैंने यहाँ से सीधा लेकर आई हूँ क्योंकि मैं ये कुर्ती बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से सीधा लेकर आई हूँ। अब ये जो मेरे साइड का कपड़ा बचा था ना, ये वाला, अब मैं इसको, इसकी मैं कली बना के यहाँ पे लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, ये जो मेरा साइड की सिलाई लगी थी, ये जो मैंने यहाँ पे कली लगाई है, आप लोगों को अगर इस तरह से नहीं सिलना तो आप ये जो फिटिंग की मैंने निशान लगाया है हिप से लेके दामन तक, आप इसको इंची टेप रख के जितना आपका दामन है उतना कटिंग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ये मैं यहाँ तक कटिंग कर लेती हूँ, इसकी लंबाई पे सीधा कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी कटिंग पसंद आएगी तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई मुझसे गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ कर मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफिज़।